एक डायलॉग है वो पक्का आप लोगों ने सुना होगा, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वैसे लोगों ने इस डायलॉग का एक देसी वर्जन भी बना रखा है, वो यूज करता लेकिन शब्दों की मर्यादा के कारण उस देसी वर्जन को मैं यूज नहीं कर पा रहा। और वो वर्जन एक तरीके से इस मूवी के लिए एकदम सूट करता है, एकदम सटीक बैठता है, फिट बैठता है इस मूवी के लिए। खैर, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे औरों में कहां दम था मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है, और जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है वो डॉक्टर के पास जाके परेशान हो चुके हैं, दवाइयां खा के इरिटेट हो चुके हैं, तो मैं एक बार उनको सलाह दूंगा कि आप एक बार ये मूवी देख लो कि आपको नींद 100% आएगी। इस तरीके की बोर करती है। हाँ, कैसे करती है हम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवी की कहानी जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर स्पॉइलर हो सकते हैं, क्योंकि यार मुझे कहानी के बारे में बात करनी है तो आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि यार आपने स्पॉइलर दे दिए। मैं पहले ही आपको वॉर्न करके चल रहा हूँ। यार मूवी की कहानी पर आते हैं। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो उसमें इतना कहानी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे देखनी भी नहीं थी ये मूवी, सच कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये मूवी देखने का। फिर वही बात आती है कि यार रिव्यू करना है, चैनल को जिंदा रखना है, तो चीजें सहनी पड़ेंगी। थोड़े टाइम पहले वो बैड न्यूज मूवी देख के आया, वो टॉर्चर सह के आया, अब उससे भी ज्यादा भयानक टॉर्चर मैंने इस मूवी को देखकर सह लिया। खैर, कहानी पर फोकस करते हैं। एक कृष्ण नाम का व्यक्ति है जिसके माँ बाप नहीं है, और एक लड़की है वसुधरा, शॉर्ट फॉर्म जिसका नाम वसु है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हुए इसके अंदर दिखाते हैं। लड़की हर बात मानती है लड़के की, लेकिन इनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन दोनों की लाइफ में कि जो कृष्णा है उसको 25 साल की सजा हो जाती है। अब कृष्णा को 25 साल की सजा क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या जब वो 25 साल की सजा पूरी करके जब बाहर आएगा क्या उसका जो वसुधरा है यानी वसु जो है, क्या उन दोनों का प्यार आगे बढ़ पाएगा, क्या उनकी प्रेम कहानी पूरी हो पाएगी, तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी या नहीं देखनी पड़ेगी। फर्स्ट पहले तो ये पूरी वीडियो देख लेना, फिर डिसाइड करना। अब बात करें कि मूवी के अंदर आपको क्या अच्छा देखने को मिल रहा है। वैसे ये जो अच्छा वर्ड है ना, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया ये सोचने में कि यार मैं क्या ऐसा लिखूं कि भाई अपनी कॉपी के अंदर, मैं ऑब्वियसली लिखता हूं जब भी कोई मूवी देखता हूं तो रिव्यू के लिए पॉइंट्स लिख लेता हूं कि यार मुझे इन पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, कि मुझे इसमें ये अच्छा लगा, इसके अंदर मुझे ये कमियां लगी। तो मैं जब इसकी अच्छी अच्छी बातों के बारे में लिखने बैठा तो मैं भाई साहब बैठा ही रहा कि यार इसके अंदर क्या अच्छा लिखूं, कि इसकी कहानी बहुत बढ़िया, क्या इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, क्या इसके सॉन्ग्स बहुत बढ़िया है, क्या है इसके अंदर, क्या इसका डायरेक्शन बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही बढ़िया है और मुझे चुनने में परेशानी हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर कुछ भी बढ़िया नहीं है यार, दिमाग खराब हो गया ये सोचने में कि इसके अंदर लिखना क्या है अच्छे में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इस मूवी की कहानी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप स्टार्टिंग में ही बता दो कि यार इस मूवी के एंड में क्या होने वाला है, बिल्कुल एकदम वो आपने घिसेपिटी स्टोरी देखी होगी बॉलीवुड की, वो जिसके अंदर प्यार मोहब्बत वाली होती है, या फिर वो एक टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी जिसके अंदर जैक मर जाता है लड़की के लिए कुर्बानी दे देता है। सेम वही चीजें यहाँ पर भी, लड़का जो कुर्बानी दे देता है लड़की के लिए, लेकिन टाइटैनिक वाली मूवी तो यादगार रह जाती है, लेकिन ये वाली जो मूवी है वो बिल्कुल भी याद नहीं रहती, ये सर में दर्द जरूर कर देती है। एकदम एक्सप्रेशन लेस आपको चीजें देखने को मिलेंगी, वो सर में दर्द कर जाएंगी, और फिर आप हैरान हो जाओगे ये देख के कि अजय देवगन जी हो गए और जो तब्बू हो गई, इनको इन जैसी मूवीज में काम करने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, मतलब क्या इनका करियर खत्म हो चुका है कि इन जैसी थर्ड क्लास वाहियात मूवीज में ये काम करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि मूवी की कहानी एकदम बिलो एवरेज है। इतनी ज्यादा वाहियात कहानी है कि डेफिनेटली आपको इसमें नींद आने वाली है। और इस मूवी इन्होंने जो मेकर्स हैं मूवी के, इन्होंने सोचा कि यार इसमें सस्पेंस रखते हैं, सस्पेंस इस तरीके का कि लोगों को लगेगा अरे यार कितना बढ़िया सरप्राइज दे दिया, ऐसा तो सोचा ही नहीं होगा। मैं सच कहूं कि 1% भी शायद ऐसे इंसान नहीं होंगे कि जिन्होंने नहीं सोचा कि इसकी एंडिंग कैसे होने वाली, वो 100% प्रेडिक्ट कर चुके होंगे कि हाँ यार लास्ट में ये झोलमाल मिलेगा। फिर भी मान लो उन 1% लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इसके अंदर ये सब चीजें होने वाली, यानी वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते सस्पेंस के बारे में, फिर भी घंटा फर्क ना पड़ता जो सस्पेंस के लास्ट में निकलता है। क्या कहानी थी यार, स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक मैं इस मूवी में मतलब ये खोजता रहा कि यार आखिर ऐसा क्या ये दिखाएंगे कि जिससे ये जस्टिफाई कर सके कि इन दोनों की जो प्यार कहानी है, मतलब कि जो कृष्णा और वसु की जो प्यार मोहब्बत वाली जो कहानी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत महान है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहा, इसके अंदर तो चूहा भी नहीं निकलता। वैसे मेकर्स ने फुल ऑन कोशिश की है कि जनता को इमोशनल किया जाए, और इमोशनल करने के लिए इन्होंने बैकग्राउंड के अंदर वो इमोशनल म्यूजिक प्ले किया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इन्होंने जो कृष्णा है उसको एकदम बेचारा दिखाने की कोशिश की है, दिखाने की ये कोशिश की है कि यार वो देखो यार उस बेचारे का करियर खराब हो गया लड़की के चक्कर में, तो पढ़ाई क्यों लड़की के चक्कर में। और एक जो और चीज मुझे और ज्यादा हैरान करती है कि यार इन जैसी मूवीज को थिएटर्स में किसने रिलीज होने दिया। मतलब आज की डेट में इतनी बढ़िया बढ़िया हॉलीवुड मूवीज हमें देखने को मिल रही है, साउथ इंडिया की जो मूवीज हमें देखने को मिल रही है वो इतनी बढ़िया बढ़िया आ रही है, उन जैसी मूवीज के बीच में ये थर्ड क्लास वाहियात मूवी आ जाती है। यार इस जैसी मूवीज को किसी थर्ड क्लास ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते, ओल्ड बालाजी के ओटीटी
प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं या फिर उलू के और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते, इतने सारे वाहियात प्लेटफॉर्म है उनपे ये डेफिनेटली अच्छी रहती, वहां पर लोग जो देख लेते जिस तरीके की उनकी ऑडियंस है वो इनको ही देख लेती। लेकिन पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने इस मूवी को थिएटर में रिलीज कर दिया। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10। 1 भी क्यों दे रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप इसके रिव्यू देखेंगे ना बुक माई शो के ऊपर, लोगों ने मतलब अपना गुस्सा निकाल रखा है, एक 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 स्टार दे रखा है, वहां पे 0 देने का ऑप्शन नहीं है, वरना इसको 0 भी देके चले जाते। और जो लोग इन जैसी मूवीज को देखकर, बॉलीवुड का जो प्यार मोहब्बत की मूवीज को देखकर अपने आप को वो हीरो समझने लग जाते हैं, वो सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, वो रोमांटिक सॉन्ग सुनने लग जाते हैं, सोचते हैं कि यार मुझे जब लड़की मिल जाएगी मैं उसके लिए कर दूंगा वो कर दूंगा, तो देखो भाई इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इसी में देख लो ना, इस मूवी के अंदर कृष्णा की वाट लग जाती है, मतलब 25 साल वो जेल में रह के जाता है, उसका करियर एकदम खत्म हो जाता है। क्या मिलता है लास्ट में? कुछ भी नहीं मिलता, वो निराश रहता है पूरी मूवी के अंदर। अरे एक ही लाइफ मिलती है यार, उसको सही ढंग से जी लेना, ये फालतू वाहियात कॉन्सेप्ट में मत पढ़ना कि प्यार मोहब्बत के बारे में। ठीक है प्यार हो गया, लेकिन अपने करियर पे फोकस जरूर रखो। खैर बस आज के लिए इतना था। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि इन जैसी वाहियात सर में दर्द कर देने वाली आप मूवी देखे देखने जाओ। मतलब सोच कर देखो कि यार लोगों का एक तरीके से पैसा बर्बाद कर रहे हैं मेकर्स, मतलब क्या सोच कर जाते हैं जनता की यार बढ़िया एंटरटेनमेंट मिलेगा, एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, वो सर में दर्द लेकर वापस आ जाते हैं। पूरे हफ्ते वो काम करते हैं, उनकी टेंशन के बीच में रहते हैं, फिर एक और ऐसी मूवीज आ जाती है जो उनको और ज्यादा टेंशन देती है, उनके और ज्यादा सर में दर्द कर देती है। मेकर्स को भैया साहब ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि यार लोगों के पैसे बर्बाद ही कर रहे हो, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, क्यों ना यार ढंग का काम करने लग जाओ। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।